हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास भी ये SBI का BPCL वाला क्रेडिट कार्ड है तो इससे आप 250 रुपये का पेट्रोल जो है कैसे भरवाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैंने पहले भी जो है BPCL कार्ड पे कई वीडियो बनाए हुए हैं, तो आज का ये मेरा वीडियो जो है इस टॉपिक पे है कि कई लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि जब हम अपना मोबाइल से या फिर एप्लीकेशन से रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर रहे हैं और जब हमारे पास वाउचर कोड आता है, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो वो रिडीम नहीं होता है। और कई लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था कि पेट्रोल पंप वाले जो है रिडीम नहीं कर रहे हैं, काफ़ी पेट्रोल पंप वालों को इसकी जानकारी नहीं है, तो वो बोलते हैं हमारे पास नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको जो है आपका किससे बात करके आपको अपना जो है वाउचर कोड जो है रिडीम करवाना है, और ये कार्ड लेके हम चलेंगे और आपको डायरेक्ट जो है पेट्रोल पंप पे आपको जो है रिडीम करके बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसकी जो रिवॉर्ड पॉइंट है रिडीम करना है। अभी दोस्तों क्या करना है कि आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन से रिडीम नहीं करना है, एप्लीकेशन से रिडीम नहीं करना है, उसमें प्रॉब्लम जा रही है, जो कोड आता है वो अल्फ़ाबेट प्लस न्यूमेरिक आ रहा है, तो पाइलैब मशीन में हो नहीं पाता है। तो डायरेक्टली ये कार्ड आपको लेना है और BPCL के पेट्रोल पंप पे जाना है। अगर वहाँ पे रिडीम नहीं करते हैं तो आप वहाँ से BPCL के पेट्रोल पंप पे मैनेजर का नंबर लिखा होता है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये किस पेट्रोल पंप पे हमारा जो है पॉइंट रिडीम होंगे। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पेट्रोल पंप वाले रिडीम नहीं करते, बोलते हमारे यहाँ पे नहीं होगा। तो आप किसी भी BPCL के पेट्रोल पंप पे जाएंगे, अगर आप किसी भी स्टेट पे हो तो वहाँ पे आपको जो है BPCL के जो मैनेजर होते हैं, BPCL यानी जो भारत पेट्रोलियम के मैनेजर होते हैं, पेट्रोल पंप के मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, BPCL पेट्रोल जो है कंपनी जो है उसके जो मैनेजर होते हैं उनका नंबर होता है, उनको आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको प्रॉपर जानकारी देंगे कि आपके स्टेट में किस जगह पे जो है आपको रिडीम हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट मैं ये कार्ड लेके चलूंगा और पाइनलैब मशीन में जो है रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट होने चाहिए। अगर आपके पास 1000 रिवॉर्ड पॉइंट है तभी आप जो है 250 रुपये का पेट्रोल डलवा पाएंगे। तो मेरे पास जो है 1000 रिवॉर्ड पॉइंट है, तो मैं चलूंगा पेट्रोल पंप पे BPCL के और वहां पर रिडीम करके आपको लाइव दिखाऊंगा और 250 रुपये का पेट्रोल आपको भरा के बताता हूँ। तो चलिए पेट्रोल पंप पे चलते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है हम BPCL के पेट्रोल पंप पे हैं, तो आप देख सकते हैं BPCL यानी भारत का पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पे जो है हम अपने क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट से जो आपको पेट्रोल भरवा के बताएंगे। तो अभी हम आपको बताते हैं पेट्रोल भरवा के, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई पेट्रोल पंप वाले जो है इसको रिडीम नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको पेट्रोल पंप पे मैनेजर का नंबर होता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है वो पेट्रोल पंप में मैनेजर का नंबर। दोस्तों, जब भी आप BPCL के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो पेट्रोल पंप के जो BPCL के मैनेजर होते हैं उनका नंबर दिख जाएगा, तो आप उनसे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि ये रिवॉर्ड पॉइंट कहाँ पे रिडीम होंगे। अगर आपको पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि ये रिडीम नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पर मैनेजर के कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपके स्टेट में आपकी लोकेशन पर किस पेट्रोल पंप पर जो है ये रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम होंगे। तो आप नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से लिखा रहता है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्मार्ट लाइन, टोल फ्री नंबर भी है, सेल्स ऑफिसर का नंबर भी है और ऑफिस एड्रेस भी दिया होता है। तो आपके स्टेट में भी ऐसा बोर्ड लगा होगा पेट्रोल पंप पे, तो आप नंबर देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों, अभी जो है हम BPCL के पेट्रोल पंप पे हैं और ये है पाइनलैब मशीन, इसी के जरिए जो है हमारे क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम किया जाएगा और 250 रुपये का जो है हमको पेट्रोल भराएंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पाइनलैब मशीन है और ये हमारा क्रेडिट कार्ड है, तो भैया जो है हमको रिडीम करके बताएंगे। तो भैया, हमको आप पूरी प्रोसेस बता दीजिए इसमें क्या है। ये पाइनलैब की जो मशीन है, इसमें तीन ऑप्शन रहते हैं, इसमें पेमेंट पे जाना है, ये पेमेंट पी ऑप्शन है, पेमेंट पे गए, इसके बाद ये नीचे टैप टू सी लिखा है, टैप टू सी पे जाना है, इसके बाद ये रिवार्ड है, रिवार्ड पे पॉइंट, फिर आएगा रिडीम पॉइंट, रिडीम पॉइंट पे जाके इसके बाद ये स्क्रैच कार्ड दिखाने लगता है, स्वैप कार्ड, स्वैप कार्ड तो अपन को यहाँ से कार्ड को ऐसे स्वैप करना है जी। अब इसमें आएगा इंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट कर देंगे और यहाँ पे कुछ भी जो अपने को अमाउंट डालना है वो अमाउंट डालेंगे। यह मान लो अपन ने डाल दिया 300, ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपको पॉइंट कितना है, जैसे ये 395 रुपीज़ के 1581 पॉइंट आपके दिख रहे हैं, तो इसमें ओके करेंगे, इसके बाद अपन 300 मान लो डाल देते हैं, ठीक है, सबमिट कर दिया, ये आपका हो गया। अब ये स्लिप निकल आएगी, इसको प्रिंट कर लेते हैं, ये प्रिंट हो गई, इसके बाद एक बार और ये दूसरी कस्टमर कापी प्रिंट हो गई, ठीक,
कॉपी पड़ती है, कस्टमर कॉपी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमको स्लिप मिल गई है, तो ये दो स्लिप है, कस्टमर कॉपी है और एक जो है पेट्रोल पंप की कॉपी है, तो मर्चेंट कॉपी है। तो ये जो है हम लेके जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे पेट्रोल भरता है, वहाँ पे हम ये एक कॉपी उनको देंगे तो वो हमको जो है पेट्रोल वहाँ पे फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने रिडीम कराया है, पूरा पूरा पॉइंट यहाँ पे रिडीम हो गया है हमारा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो है रिडीम किया हुआ है। तो ये स्लिप हम लेके चलते हैं वहाँ पे और पेट्रोल भी आपको भरा के बताते हैं। तो यहाँ पे जो है अभी हम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और ये जो है हमारा जो स्लिप है 300 रुपये का जो हमने अंदर रिडीम किए हैं रिवॉर्ड पॉइंट, तो यहाँ ये हम ये पेट्रोल पंप पे देंगे और अपना पेट्रोल भरवाते हैं। तो ये है पेट्रोल पंप, तो यहाँ पे जो हमने देख सकते हैं रिडीम किया है, तो ये हमारा 300 रुपये का जो है पेट्रोल हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पे भरवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 300 जो है अपने 1200 पॉइंट को रिडीम किया है, तो 300 रुपये का जो है हमको पेट्रोल यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो है 300 का जो है पेट्रोल हमने यहाँ पे डलवा लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी जो है रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करके जो है पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने SBI के जो BPCL क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करके पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाया है ये लेटेस्ट हमारा वीडियो है 2024 का, और मैंने ये भी आपको बताया कि अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम नहीं हो रहे हैं तो आप पेट्रोल पंप में जो है मैनेजर का नंबर होता है उस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके लोकेशन पे किस पेट्रोल पंप पे जो है पॉइंट को रिडीम किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय माता।